एनएसयूआई पूरे राजस्थान के अंदर जय जवान कैंपेन शुरू कर रही, जिसके अंदर हम लोग जो हैं अग्निपथ जो सरकार केंद्र सरकार योजना लेके आई, हम लोग उसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। प्रत्येक जिले के अंदर हम लोग जाएंगे, हेडक्वार्टर पे हम लोग जो है हेडक्वार्टर पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहाँ के जो है हमारे छात्र हैं जो अग्निवीर में जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, उन सब हम युवा साथियों को साथ लेके सरकार का जो है विरोध दर्ज कराएंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अग्निवीर जो स्कीम है इसके अंतर्गत हमारी कुछ मांगे हैं। देखिए 2019 और 22 के बीच में सेना में चयनित 1.5 लाख अभ्यर्थियों को तत्काल जो है ज्वाइनिंग दी जाए, ये हमारी प्रथम मांग है। द्वितीय मांग जो है हमारी, पुरानी जो हमारी सेना भर्ती की जो स्थाई सेना भर्ती की जो मांग थी उसको बहाल किया जाए। देखिए आज अग्निवीर योजना के तहत सेना को कमजोर करने का काम किया गया है। हमारा सैनिक जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस तरीके से ये स्कीम लाके और सेना के ऊपर थोपी गई है, ये एक राजनीतिक जो है रूप देने का काम था। हमारा यही है कि एनएसयूआई जय जवान कैंपेन के साथ में जो पूरे राजस्थान में घूमेगी और हर कॉलेज कैंपस में भी जाएगी, और जो हमारे छात्र हैं इसमें सेना में भर्ती होना चाहते थे उनसे बीच में होके बातचीत करेगी और हम सरकार का जो है विरोध दर्ज कराएंगे। देखिए इसमें छात्रों के बीच में जाना, युवाओं को जोड़ना, ये हमारा पहला ध्येय है कि भाई जो सेना है वो देश की सीमा पे हमारे लिए जान देती है, शहीद होते हैं। आज अग्निवीर के तहत जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे एम्बुलेंस के अंदर जो है उनको लेके आया जा रहा है, शहीद को भी उनको दर्जा नहीं दिया जा रहा है। बिहार में हम देखते हैं कि 64 जो हैं हमारे साथी जो अग्निवीर में थे आज उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के अंदर एक आक्रोश है और हम लोग अग्निवीर जो है इस स्कीम के विरोध में जो है अपना विरोध दर्ज कराते हैं। नहीं, ऐसा लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है, प्राथमिकता ही हमारी ये थी कि इस जो है योजना को तुरंत प्रभाव से जो है बंद किया जाए, क्योंकि सेना को कमजोर करने वाली योजना है। सेना जो है एक देशभक्ति वाली बात है कि आप जिस तरीके से 17 साल से 21 साल तक जो है आप नौकरी दे रहे हैं और उसके बाद तुरंत बाद जो है आप रिटायर कर रहे हैं। 4 साल के अंदर जो है एक अगर बच्चा जो प्रशिक्षित होके आता है, पहली बात तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग में जो है पूर्ण रूप से प्रशिक्षित भी नहीं हो पाता है, और अगर आप उसको 4 साल बाद रिटायर करते हैं तो वो अगर ऐसे में समाज के बीच में आता है, वो हथियार चलाना सीखता है, उसको पुनः कहीं रोजगार नहीं मिलता है, तो ऐसे में अगर वो बेरोजगार रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है उसका जो है गलत प्रभाव जो है समाज पे पड़ेगा। तो हम यही चाहते हैं कि इस योजना को जो है तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, और हम लोग प्रत्येक कैंपस में जा रहे हैं और हम लोग कैंपस जोड़ो यात्रा भी जो है 1 हफ्ते के बाद हम पूरे राजस्थान में घूमेंगे, और कैंपस जोड़ो यात्रा जो है एनएसयूआई चला रही है। उसका यही ध्येय है कि जो भी हमारे छात्र जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि छात्र जो है अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहा है, वो प्रदेश में किसी जिले के हेडक्वार्टर में कोचिंग संस्थान में अपनी फीस को जमा कराने में असमर्थ हैं। कॉलेजों के अंदर इतनी ज़्यादा जो है फीस बढ़ा दी गई है कि बच्चा पढ़ने में असमर्थ है। तो हम जो भी तमाम समस्याएं हैं छात्र छात्राओं की उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उन समस्याओं का किस तरीके से निस्तारण हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जो है सरकार तक जो है उनकी आवाज को पहुंचाने की एनएसयूआई काम करेगी। और जिस तरीके से हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने भी अभी अग्निवीरों से बात की है, तो हम राहुल गांधी जी की जो यात्रा राजस्थान में आ रही है उस पर भी हम लोग जो है पूरी ताकत से अग्निवीर जो हमारे कुछ साथी हैं जो इस सेना के अंदर जो भर्ती होना चाहते थे, लेकिन जब से ये स्कीम आई है उसके बाद जो है एक सेना का यूं कहें कि जोश सा कम हो गया है, तो हम लोग राहुल जी के साथ खड़े होके उन नौजवानों को भी न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारे साथी हैं ये भी सेना में रहे हैं और इन्होंने भी उस चीज़ का सामना किया है कि किस तरीके से
ये हताश हो गए हैं, हमारे नौजवान आज हताश हो गए हैं कि आज जो है कहीं ना कहीं युवा देख रहे हैं कि भाई जब से हमारे राजस्थान में भी सरकार बनी है तब से नौजवान जो है सड़कों पे आ गए। हम लोग देख रहे हैं शहीद स्मारक पे हमारे 5,000 जो है राजीव गांधी युवा मित्र जो है उनको एकदम से सरकार बनते ही जो है नौकरी से बेदखल कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है L1 के छात्र हैं वो भी हमारी ज्वाइनिंग को लेके जो है वो भी धरने पे बैठे हुए हैं। तो रोज किसी ना किसी प्रकार से जो है धरना प्रदर्शन इतना ज्यादा, 3 महीने की सरकार में युवा जो है इतना परेशान हो चुका है, छात्र इतना परेशान हो चुका है कि वो इस सरकार को जो है अब जवाब देना चाहता है। और लोकसभा में आप देखना इसका जो प्रभाव है वो तेजी से जो है निकल कर सामने आएगा और युवा जो है इसका जवाब जो है इस तानाशाही सरकार को भी मिलेगा। भैया इसमें अच्छा ही कुछ है ही नहीं, इसमें कमियां ही कमियां हैं। सुझाव रही क्योंकि हम सब लोग छात्रों के बीच में रहते हैं, उन स्टूडेंट्स के बीच में हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि पहले जब भी हम सुबह सुबह कभी मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे तो हम लोग देखते थे कि किस तरीके से हमारे जो नौजवान थे वो सड़कों पे सेना की तैयारी करते हुए मिलते थे। लेकिन आज जाएंगे तो आज उनमें असंतोष है, आपको कहीं पे भी जो है उस तरीके से हमारे नौजवान जो है सेना की तैयारी करते हुए नहीं मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये अविश्वास पैदा हुआ है अग्निवीर स्कीम आने के बाद। देखिए जिस तरीके से भाजपा जो है धर्म की राजनीति में फंसा के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रही है, ये नौजवान उनकी बातों में नहीं आने वाला है। देखिए हम लोगों ने, हम चुनाव हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। हमारा अगर आज आप वोट परसेंट भी देखोगे तो कहीं बहुत ज्यादा कम नहीं है। कुछ प्रदेशों के अंदर कुछ सीटों पर हम लोग जो है मुश्किल से 2,000, 3,000, 2,500 से जो है चुनाव हारे हैं। बिल्कुल हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और हम लोग लोकसभा के अंदर दुगनी गति से जो है NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, जो भी कांग्रेस के हमारे फ्रंटल्स हैं, पूरी ताकत से लग के जो है कांग्रेस के ताल में ताल मिलाएगी और नौजवान पूरी भूमिका निभाएगा और हम लोग लोकसभा में चुनाव जीत के आएंगे। लोगों में पूरा उत्साह है, धर्म द्वेष की राजनीति को जो है हम पीछे पछाड़ेंगे और देश में महंगाई रोजगार के जो मुद्दे हैं उन पे हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए पिछली बार जैसे हमारे कई नौजवान नेताओं को जो है विधानसभा का चुनाव में उतारा गया और मजबूती से उसका परिणाम भी मिला। हमारे अधिकतम नौजवान जो है जिनको मौका दिया गया वो जीत के आए हैं और हम इस बार भी अगर लोकसभा में मौका देते हैं तो जीत के आएंगे। और असमंजस की कोई स्थिति नहीं है। देखो यूं कहें कि प्रतिस्पर्धा होती है लेकिन प्रतिस्पर्धा के साथ साथ हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उसको समझ में आया है कि क्योंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी कहते हैं कि नौजवानों को जो है मौका दिया जाना चाहिए। हम लोग प्रत्येक संभाग के अंदर जो है हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। पहले हम जिला जो है सीकर से, जयपुर से और सीकर होके हम लोग झुंझुनू, फिर उसके बाद बीकानेर, इस तरीके से प्रत्येक संभाग से होते हुए हम लोग जो है इस यात्रा को निकालेंगे। इस यात्रा का लक्ष्य यही है कि किस तरीके से छात्रों की जो समस्याएं हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें और उनको जो है हम लोग आगे तक लेके जाएं, उन समस्याओं का हम लोग निस्तारण करें और युवाओं को जो है हमारे इस कैंपेन से ज्यादा जोड़े और उसमें भागीदार बने। बिल्कुल साथ में है ये पूरे देश के अंदर जो है ये जो जय जवान हमारा कैंपेन है ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसमें हमारी यूथ कांग्रेस भी है, NSUI भी है और मैन कांग्रेस भी जो है इसमें भागीदार है। जिस भी जिले में हमारे कार्यक्रम होंगे हम सबको जो है एक साथ एक मंच पे बुलाएंगे, यूथ कांग्रेस को भी, मैन कांग्रेस को भी, सेवा दल को भी, सबको हम लोग जो है एक साथ मिलकर इस कैंपेन को जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी नया नया अध्यक्ष बना हूँ, मुझे पहली जिम्मेदारी दी गई है, मेरी पहली कॉन्फ्रेंस भी है, तो मैं तो यहाँ जो कहूँगा वो बिल्कुल सच्चाई है कि हम, क्योंकि आप सब तो मुझे पहले से परिचित हैं, मैं कॉलेज में राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, उसके बाद NSUI का नेशनल सेक्रेटरी रहा और पार्टी ने मुझे अब बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरी पहली कॉन्फ्रेंस है जिसको लेके हम लोग इस कैंपेन से जो है जोड़कर आगे हम लोग कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से हम लोग जो है इस कैंपेन को लोगों के बीच में लेके जाएंगे क्योंकि लोग जो हैं बहुत उत्साहित हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग इस कैंपेन से जुड़ें और किस तरीके से सरकार जिस तरीके से हमारे नौजवानों पे इस योजना को थोपी है ना, हम उसका किस तरीके से विरोध करें। तो हम पूरे राजस्थान में घूम के जयपुर जिले के हेडक्वार्टर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे इस योजना के विरोध में। बिल्कुल अभी नया अध्यक्ष आया, अभी मैं नया अध्यक्ष बना हूँ,
तो पूरे राजस्थान में मैं पहले घूमूंगा, पहले दौरे करूंगा, प्रत्येक कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोग जाएंगे, जो भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काम किया है, उनको हम लोग आगे लेके आएंगे और उनको कार्यकारिणी में बिल्कुल मौका देंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे क्योंकि हम लोगों को एक्टिव कार्यकर्ता चाहिए, तो एक्टिव कार्यकर्ताओं को जो है हम लोग निकाल के लेंगे। उसमें थोड़ा समय लगेगा, हफ्ता महीना भर, इसे ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन हम मजबूत कार्यकर्ताओं को जो है मौका देंगे, ताकि हमें हमारे सामने लोकसभा के चुनाव भी हैं और आगे हम लोगों को बहुत सारे काम भी करने हैं। बिल्कुल, देखिए प्रत्येक हम लोग कैंपस की बात करें तो आज जितने भी चुनाव अगर नहीं होते हैं तो प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। छात्र संघ चुनाव होना बहुत अनिवार्य है और इसके लिए NSUI बड़ा आंदोलन करेगी और सरकार को चेतावनी भी देती है कि आप जो है जल्द से जल्द छात्रों के छात्र संघ चुनाव को जो है चालू करें। छात्र संघ चुनाव होता है तो कैंपस में जो है प्रशासन की यूनिवर्सिटी कैंपस वाले जो प्रशासन है उनकी तानाशाही जो है हावी नहीं होती है। फिलहाल प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन बहुत ज़्यादा हावी होता है। देखिए बिल्कुल, मैं हम लोग जब गहलोत साहब ने डिसीजन लिया तब भी NSUI ने विरोध किया था कि छात्र संघ चुनाव को बंद नहीं किया जाना चाहिए। बंद नहीं किया गया था, स्थगित किया गया था। और उस समय देखिए उन्होंने प्रत्येक बड़ी यूनिवर्सिटियों के VC ने और कॉलेज हमारे प्रिंसिपल्स ने एक लेटर लिखा कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू की गई है और सामने विधानसभा का चुनाव है तो हमारे पास जो है स्टाफ नहीं है, तो इस बार छात्र संघ चुनाव को एक साल के लिए स्थगित किया जाए, उन्हें आप आगे शुरू कर सकते हैं। तो ये केवल बंद नहीं किए गए हैं, छात्र संघ के चुनाव स्थगित किए हैं और इसको हम लोग चालू करवाएंगे दोबारा। NSUI इस मुहिम में जो है पूरी ताकत से जुटेगी और इस चुनाव को चालू करवाएगी। और आज हमारा जय जवान जो कैंपेन है इसका पोस्टर विमोचन भी है, तो हम लोग पोस्टर विमोचन भी कर रहे हैं सब साथी। अगर बिल्कुल अच्छी बात है, आज अगर किसी भी NSUI के सक्रिय कार्यकर्ता को अगर लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है तो हम तो उसके समर्थन में हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे नेता श्री राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई युवाओं को जो है राजनीति में आगे आना चाहिए, युवाओं को जो है मौका मिलना चाहिए, तो बिल्कुल अगर हमारी तो यही है कि हम जो है हमने कांग्रेस अध्यक्ष जी श्री डोटासरा जी को भी कुछ नाम दिए हैं, जो सक्रिय जो लोग हैं हमारे NSUI के जो मजबूत कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ज़मीन पर रह के काम किया है, नौजवानों की आवाज़ को उठाया, छात्रों की आवाज़ को उठाया, उनको अगर आज लोकसभा में चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता तो निश्चिंत जो है राजनीति का जो है कि जो है स्वरूप बदलेगा और हम लोग चुनाव जीत के भी आएंगे।